अपनी लोकेलिटी में एक बैंक का एटीएम सेटअप करके आप 25,000 से लेकर 50,000 तक की एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं हर महीने की। तो आखिर बैंक के एटीएम को लगाते कैसे हैं, कंडीशन क्या क्या है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं एटीएम लगाने के बारे में सब कुछ। अगर आप अपने लोकेलिटी में एटीएम सेटअप करते हैं तो यहाँ पर आपको एटीएम पर किए जाने वाले हर एक कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 8 से 9 रुपए का कमीशन मिलेगा। और सेकंड चीज, अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करता है तो यहाँ पर आपको 2 रुपए से लेकर 3 रुपए का कमीशन मिलता है। अगर एक दिन के 250 से लेकर 300 ट्रांजैक्शन भी होते हैं तो उस दिन की कमाई आपकी निकल जाती है 15,000 के आसपास की। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एटीएम को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने एरिया में एटीएम का सेटअप करना चाहते हैं तो जहां पर जो जगह की रिक्वायरमेंट है वो 50 स्क्वायर फीट से लेकर 80 स्क्वायर फीट के बीच में होनी चाहिए, मतलब कम से कम आपके पास 50 स्क्वायर फीट की जगह तो होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन यहाँ पर यह है कि आप जहाँ पर एटीएम सेटअप करना चाहते हैं उसके 100 मीटर के रेंज में कोई भी एटीएम नहीं होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन यह है कि आप जहाँ पर एटीएम सेटअप करना चाहते हैं वो जगह ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए और वहाँ पर बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर कोई दूर से देख रहा है तो उसको भी एटीएम दिखना चाहिए। 24 आवर की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपको एटीएम सेटअप करना है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का होना चाहिए। और जिस जगह पर आप एटीएम सेटअप करना चाहते हैं वो जगह वेल फर्निश्ड होनी चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप किसी सोसाइटी में एटीएम लगवाना चाहते हैं अपनी जगह पर, तो यहाँ पर आपको सोसाइटी के पास से एनओसी लेनी पड़ेगी या अथॉरिटी के पास से एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एटीएम का क्लियरेंस करने से पहले लोग देखते हैं कि जहां पर एटीएम लगाया जाएगा वहां पर एक दिन के 300 ट्रांजैक्शन होंगे या नहीं होंगे। ऑन एन एवरेज अगर 200 ट्रांजैक्शन भी होते हैं तो चलता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपको आपका आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। आईडी प्रूफ सबमिट करने के लिए आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या वोटर आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब सेकंड नंबर पर आपको आपका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा कि जिस जगह पर आप एटीएम लगा रहे हैं वो जगह आपकी है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड काम आ सकता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल काम आ सकता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबमिट करनी पड़ती है बैंक की डिटेल्स और बैंक की पासबुक की डिटेल्स। अगर आप एटीएम लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं ये अपने एटीएम खुद नहीं लगाती हैं, बल्कि एटीएम को एस्टैब्लिश करने के लिए मार्केट में बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जिनकी हेल्प से बैंक्स एटीएम लगाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर एसबीआई बैंक का एटीएम देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर एचडीएफसी बैंक का एटीएम देखा होगा, लेकिन ये बैंक्स के जो एटीएम होते हैं ये बैंक खुद सेटअप नहीं करती है, मार्केट में थर्ड पार्टीज होती हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज करती हैं। तो अगर आप भी एटीएम लगाना चाहते हैं तो आपको भी इन थर्ड पार्टीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में वो कौन कौन से ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हैं जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली कंपनी है टाटा इंडिकैश, जो मार्केट में एटीएम का सेटअप करती है। सेकंड कंपनी है मुथूट एटीएम और थर्ड कंपनी है इंडिया वन एटीएम। तो अगर आप तीनों पार्टीज को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लोकेलिटी में अपना खुद का एटीएम सेटअप करते हैं तो यहाँ पर एटीएम का सेटअप करने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आता है। सबसे पहली बात, एटीएम का सेटअप करने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि एजेंसी टू एजेंसी डिफर करता है। ये डिपॉजिट जो है वो 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में भी हो सकता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको रखना पड़ता है वर्किंग कैपिटल जो हो सकता है 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में। इसका मतलब यह है कि अगर आप एटीएम का सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच की रिक्वायरमेंट होती है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप थर्ड पार्टी एजेंसी को देंगे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंडेबल होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो भी आपको वापस मिल जाता है जब भी आप एटीएम की फ्रेंचाइजी को कैंसिल करते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।